सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से क्लास 10th और 12th परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लाइव आकर 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छात्र सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टेबल देख सकते हैं। आदरणीय अध्यापक और प्रिय छात्र छात्राओं, मुझे भरोसा है कि आप सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की बहुत अच्छी तैयारी में जुटे होंगे। जैसे कि पहले भी कहा था कि 4 मई से परीक्षाएं सुनिश्चित थी, तब भी आपके मन में आता था कि जनवरी होंगी या फरवरी में होंगी, तो वो असमंजस से हमने बहुत साफ किया था और आपको वक्त भी दिया था कि आप थोड़ा सा आपको समय दिया जाएगा ताकि आप स्थिर तरीके से अपनी तैयारियों को कर लें। मुझे आशा है कि इस समय का आपने बहुत अच्छे तरीके से आप उपयोग कर रहे होंगे क्योंकि आपकी परीक्षाएं 4 मई से हैं। बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी, तो वहीं बोर्ड के रिजल्ट 15 जुलाई को जारी किए जाएंगे। छात्रों को टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाना होगा। यहाँ होम पेज पर रिसेंट अनाउंसमेंट्स या फिर latest@cbse के सेक्शन के लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ अगले पेज पर 10th या 12th के लिए डेटशीट 2021 से जुड़े लिंक पर क्लिक करके सभी छात्र टाइम टेबल डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन करवाई जाएंगी। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के एडमिट कार्ड अप्रैल माह में जारी किए जाएंगे। हालांकि एडमिट कार्ड जारी करने के संबंध में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा को लेकर कई नियम बदले गए हैं। नए नियमों के अनुसार सीबीएसई के छात्र अब 10वीं की परीक्षा में फेल नहीं होंगे। सीबीएसई बोर्ड की ओर से ये निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर कई छात्र गणित और विज्ञान जैसे विषयों में पास नहीं हो पाते हैं, उनके लिए भी राहत पहुंचाने वाला फैसला लिया गया है। ऐसे छात्र कंप्यूटर या फिर किसी दूसरी स्किल में अच्छे हैं तो सिर्फ एक या दो विषय में अच्छे अंक नहीं होने पर उन्हें फेल नहीं किया जा सकता। तो वहीं इस साल सिलेबस को घटाकर 30% कर दिया गया है, इसलिए पेपर में 33% इंटरनल चॉइस वाले प्रश्न होंगे। बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 28 जनवरी को बताया था कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा डेटशीट 2021 2 फरवरी को जारी की जाएगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।